बाबा ने जो सत्यों की भाषा होगी, फिजिकल भाषा तो ठीक है, वो तो एक है, एक भाषा मतलब कौन सी भाषा? बाबा ने मुरली चलाई थी ना, तीन भाषा है आत्माओं की, संकल्पों की भाषा, भावनाओं की भाषा और नैनों की भाषा, तीन भाषा। तो नैनों की भाषा ये कौन सी भाषा है? इशारों की भाषा, लोएस्ट में नैनों की भाषा है। और भावनाओं की भाषा ये हमारी संगमयुगी भाषा है, और संकल्प की भाषा ये सत्ययुग की भाषा है। सत्ययुग में क्या होगा, किसी को दूर बुलाना है, नो ईमेल, नो फोन, नो व्हाट्सएप, नो मैसेज, क्या है? संकल्प की भाषा है। और संकल्प की भाषा से वो आत्मा को टच होगा, वो आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी जो चाहिए वो कितनी पावरफुल संकल्प भावनाओं की भाषा जो हमें भी यूज करेंगे। तो एक्चुअली भावनाओं की भाषा कौन सी भाषा? आत्मा आत्मा से बात करें, ये मोहिनी बहन ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बताते रहे हैं कि कई बार ऐसा होता था कि वो आत्मा कोमा स्टेज में है, और जब फिर बुलाया, मतलब उनको कि आए आप, और उस वो क्या ज्ञान में वैसे चलती थी, ज्ञान में उस तरह से नहीं चलती थी, और युगल रिसेंटली मैरिड थे, कोमा स्टेज में, और युगल क्रिश्चियन था, तो वो नन आई हुई थी, एक टर्न बाय टर्न जाना होता है ना अंदर, और वो जैसे परमात्मा को जैसे याद करते हैं कि भाई तुम आओ ठीक करो, ये करो, तुम एक्टिव हो जाओ, भगवान को कह रही थी। उसके बाद फिर मोहिनी बहन का टर्न आया, तो उन्होंने मतलब दृष्टि दी, बात की, और फिर वो चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वहां वो, और फिर वो बात, बस उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो गए डॉक्टर, फिर बुलाने आए तो और कोई था नहीं फैमिली मेंबर्स, तो वो वापस गए तो बात करने लगे। तो एक्चुअली क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं जब भी पेशेंट के पास जाती हूँ ना, आत्मा से बात करती हूँ, आत्मा आत्मा को ही लैंग्वेज समझता है। तो यही बोला कि तुम याद है बाबा को, याद बाबा की याद कराई कि तुमको याद है तुम उस समय बाबा से मिले थे मधुबन में, ये वो बचपन की बात, और बाबा से उस आत्मा का मतलब उस आत्मा का बंधन है ना शरीर का, और बाबा से सेटल हो सकता है, और तो कोई करेगा नहीं, उसको उस समय बाबा की याद आए तो बाबा की वो मदद उसको डायरेक्ट मिल सकती है। तो लेकिन आत्मा से बात करने से हीलिंग पावर है, आत्मा आत्मा की वर्ड। अगर जब भी पेशेंट है उस समय मैंने ये सोचा कि ये मदर है, फादर है, ये है, उसको हील नहीं, तो उन्होंने यही पूछा कि भाई हम इतने समय से मेडिटेशन कर रहे, क्यों नहीं काम किया? बोला तुम डॉटर समझ रहे थे, ग्रैंड डॉटर समझ रहे थे। आत्मा को हील करना है, आत्मा में शक्ति देनी है। याद है मुझे शांति बेन जी का जब हुआ तो लास्ट समय में मैं काफी पूरा टाइम रही थी, तो वो एक दिन पहले ही आए थे, तो डायरेक्ट फ्लाइट से डायरेक्ट यही आए सेंट्रल हॉस्पिटल। तो आते ही आईसीयू में, तो मैं भी वहां थी, आत्मा से बात करने लगे बहुत प्यार से, कोमा स्टेज में थे, डायरेक्ट उस आत्मा से बात कर रहे हैं बात, और जैसे जैसे वो बोल रहे मैं देख रही हूँ, वो मूवमेंट्स करती जा रही है, वैसे हाँ कर रही है, ना कर रही है, वैसे कोमा स्टेज थी।
इस तरह का। मतलब जरूरी नहीं है कि हम उसको कुछ कर सके, उस आत्मा का भी कितना प्रोलोंग हो या ना, लेकिन उससे उस आत्मा को मतलब उसको अगर अगर ज्यादा शरीर चल सकता है तो हो भी सकता है, आत्मा को शक्ति मिलती है। पेशेंट के सामने कभी भी लौकिक संबंध के रूप में कभी नहीं जाना चाहिए, वो विकार आता है और उसकी हीलिंग पावर कम हो जाती है। हाँ, अभी आपका अनुभव है आज सुना ना आप, बहुत अच्छा है, बाद में भूख के बाद सुना ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। अंकल गायत्री, अंकल आंटी स्टीव नारायण जो सॉर्ट ऑफ चले गए थे, मोहिनी बहन गए और वो हैंड, क्योंकि पवित्रता जिसमें फुल पवित्रता है उसकी शरीर में भी हीलिंग पावर तो होती है, वो तो मेथड है। जिन आत्माओं की कंप्लीट प्योरिटी होगी ना, वो हाथ भी करेंगे, पावर है, और फिर आत्मा से बात करें। आत्मा को शक्ति चाहिए बस, फिर हो जाएगा, बाकी फिर ड्रामा। ये है भाषा, तो ये भाषा यूज करना, तो आप देखो कि कितनी जल्दी हीलिंग होगी। तो आज का ये होमवर्क है, एक भाषा किसी के साथ, आत्मा से बात करो ना, आत्मा से बात करो, हाँ उससे भी करो, और ऑलवेज मतलब ये आत्मा की भाषा, आत्मा से बात करो, आत्मा आत्मा से बात करे। अगर मुझे आपको कोई बात मनवानी है, मैं पहले आप आत्मा से बात करो कि तुम बहुत श्रेष्ठ हो। दादी कहती है मोहिनी बहन को कि जब मुझे आपको मतलब कल बोलना है, मैं आज से आपको मैसेज संकल्प दे देती हूँ, ताकि जब मैं बोलूं तब तक ऑलरेडी रेडी हो जाए। दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। पहले से उसकी वो सेवा करे, हाँ, कि वो ये है बातचीत करना। तो जब हम ऐसे बात करेंगे ना, तो एक होता है हम बात करें, फिर बहस हो, फिर वो माने, फिर कभी नहीं माने, फिर हम नाराज, मतलब कितना ये भाषाओं में टाइम वेस्ट करते। ये है भाषा, कर सकते हैं ये भाषा, रूहानी योगी जीवन की भाषा। बाबा ने कहा भावनाओं की भाषा, संकल्प की भाषा, और कोई जरूरत ही नहीं है भाषा से। तो इसलिए एक तो ये हीलिंग, कईयों ने हमको पूछा था कहाँ था, इसलिए मैंने हीलिंग का टॉपिक ले लिया इसमें, हीलिंग पावर, और वैसे तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ शरीर के साथ। दूसरा, बाबा को समीप, तो आत्मा दिव्य प्रकाश, जिसको हील करना है वो एक होमवर्क, आत्मा आत्मा से बात करे। अब वो वही शाम को जो मेथड करेंगे ना, वो ये वाला करेंगे, और बाबा को समीप साकार एंड सम्मुख अनुभव कर। ये तो पूरे हफ्ते का होमवर्क है, ये पूरा टाइम, ये है आज का होमवर्क, एक भाषा, ये एक भाषा करना।